Yes, so far we have discussed momentum and second law of motion, right? Momentum is when there is an object having some mass and that object is moving with some velocity. So we say that the object has momentum. And we also discussed Newton's second law of motion, which says that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force, and it acts in the direction of the force, right? If you apply an unbalanced force on the object, then the change in momentum per unit time that is produced in the object will be directly proportional to the force. Clear? And we obtained the mathematical expression for Newton's second law as F is equal to ma, right? The unbalanced force is equal to the product of mass and acceleration. Clear? This we have discussed. Now, there is a statement which says that first law of motion can be obtained, or it can be mathematically stated, using second law. Okay, क्या मतलब है इसका कि जो हमने first law of motion पढ़ा है उस first law को हम mathematically state कर सकते हैं second law of motion use करके. Mathematically means with the help of expressions. Okay, how we can do this? Look here. We have this relation, F is equal to m into a. Correct? Now, a can be written as v minus u upon t. Yes, acceleration is rate of change of velocity. So, v minus u upon t. Now, what I'll do is, I'll take this t over here to left hand side and I open the bracket. So, mv minus mu. ठीक, ये मेरे पास second law आ गया. Now, first law क्या कहता है? कि अगर external force नहीं लगती, तो एक object अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करता है. करेक्ट, यही कहता है फर्स्ट लॉ. तो अगर फोर्स नहीं लगती, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक दिस फोर्स जीरो. कि अगर फोर्स ना लगे तो क्या होगा, राइट? So I make this force zero, that if F is zero, then what can I have? Zero into T is equal to mv minus mu. Correct? Beta, mute yourself. Yes, right? So zero into T is equal to mv minus mu. Or 0 is equal to mv minus mu. I can take this over here. Mu is equal to mv. So m and m, they cancel each other. And what I get over here? U is equal to v. ठीक, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आ गई हमारी सेम. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी
अगर ऑब्जेक्ट मेरा स्टार्टिंग में रेस्ट पे था तो फिर वी क्या आएगा? जीरो, बिकॉज यू और वी बराबर है. सो इसका मतलब अगर मेरा ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रेस्ट पे था तो वो बाद में भी रेस्ट पे ही रहा. कब? जब एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो. समझ आया? इसी तरीके से मान लीजिए अगर u है मेरा 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहां से u और v बराबर है तो v भी मेरा 20 मीटर पर सेकेंड आएगा. इसका मतलब जितनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट शुरू में चल रहा था, बाद तक ऑब्जेक्ट उतनी ही वेलोसिटी से चला है. राइट? दैट मींस द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. जब? कब? जब एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो. सो दिस इज फर्स्ट लॉ. राइट? यही कहता है ना फर्स्ट लॉ, दैट द ऑब्जेक्ट विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे एक ऑब्जेक्ट अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं करेगा. हेंस फर्स्ट लॉ इज सैटिस्फाइड ओवर हियर. ओके, सो लेट्स नाउ डिस्कस द थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. Now, third law of motion, you find it everywhere in your daily life. Okay, I'll give you one example. Suppose आपके पास एक balloon है and you inflate that balloon. उस balloon में हवा भरो. Clear? आपने balloon लिया, balloon में हवा भरी. अभी knot नहीं लगाना balloon पर. ठीक? Balloon भरने के बाद आप उस बैलून को पकड़ के रखो हाथ में. क्लियर? सो वी टेक अ बैलून एंड इस बैलून पर आपको नॉट नहीं लगाना है. यू कीप ऑन होल्डिंग इट. अब क्या होगा? यहां पे जो ये आपने बैलून पकड़ा हुआ है, जैसे ही आप इस बैलून को यहां से रिलीज करते हो, क्या होता है? ये बैलून ऊपर भागता है. यस और नो? यही होता है ना. आपने बैलून लिया, बैलून में हवा भरी, हवा भरने के बाद आप इस बैलून को छोड़ दो. जैसे ही आप इस बैलून को रिलीज करोगे, दिस बैलून विल गो इन अपवर्ड डायरेक्शन. राइट? क्यों हुआ ऐसा? जो एयर इस बैलून के अंदर फिल थी, वो एयर यहां से बाहर निकलना स्टार्ट कर देगी. एयर बाहर निकली एंड बैलून गया ऊपर. ये थर्ड लॉ है. ठीक? थर्ड लॉ कैसे है? यहां पर दो फोर्सेस हैं. एक फोर्स को बोलते हैं एक्शन, दूसरी फोर्स को बोलते हैं रिएक्शन. एक्शन एंड रिएक्शन. ठीक? अब ये जो यहां से गैसेस बाहर आ रही हैं, ये है एक्शन. ठीक? बैलून को रिलीज करके द गैसेस दे केम आउट. सो दिस इज द एक्शन. ये एक फोर्स लग रही है कि गैसेस बाहर निकली. एंड ये एक्शन लगने के बाद क्या हुआ? ये जो बैलून था ये ऊपर की डायरेक्शन में भागा. सो दिस इज रिएक्शन. गैसेस के बाहर निकलने की वजह से बैलून ऊपर भागा. तो जब एक एक्शन फोर्स लगी, उसकी वजह से रिएक्शन आया. सो योर थर्ड लॉ स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ठीक?
क्या कह रहा है? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. जो भी एक्शन फोर्स आप लगाओगे उसके साथ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जरूर लगेगा. तो यहां पर आपने एक्शन फोर्स क्या लगाई, ये जो एयर बाहर निकली है, जितनी फोर्स से ये एयर बाहर निकलेगी उतनी ही फोर्स से ये बैलून ऊपर की तरफ. अनदर एग्जाम्पल कैन बी, सपोज आप बोटिंग के लिए गए हो, राइट, देयर इज अ बोट एंड यू आर सिटिंग इनसाइड द बोट, क्लियर. अब आप बोट को शोर तक ले आए हो, ठीक है, ये एक शोर है, आप यहां तक बोट को ले आए हो. अब आपको क्या करना है, आप इस बोट से नीचे उतरते हो, ठीक. जैसे ही आप बोट से नीचे उतरते हो इस डायरेक्शन में, आपकी बोट हल्की सी पीछे की डायरेक्शन में मूव करती है, यस और नो? हैव यू ऑब्जर्व दिस एवर? देन व्हेन, यस, व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ द बोट मूव्स बैकवर्ड अ लिटिल. अब ये क्यों हुआ? आप जब इस बोट से उतरे, सो आपने जब स्टेप डाउन किया तो क्या हुआ? एक्शन, राइट. इन रिटर्न क्या रिएक्शन लगा? दैट द बोट मूव्ड बैकवर्ड. एक्शन एंड रिएक्शन, जितनी फोर्स आप बोट पे लगाओगे उतनी ही फोर्स बोट भी आप पर लगाएगी, हमेशा होगा ये. जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन. अगर आप 10 न्यूटन की फोर्स लगाते हो तो 10 न्यूटन का ही रिएक्शन भी लगेगा, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगी. क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव यू. सपोज देयर इज अ गन, राइट. आप लोग किसी, मान लीजिए फेयर में जाते हैं, एक मेले में जाते हैं, वहां पर वो बैलून शूट करने वाला गेम होता है, राइट. तो आप जब गन को फायर करते हो तो इस गन में से बुलेट निकल के आगे जाती है एंड आपको पीछे की डायरेक्शन में एक जर्क लगता है, राइट. थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट हैपेंस हियर, व्हेन द बुलेट इज इनसाइड द गन, बोथ आर एट रेस्ट. आपने गन से फायर किया, बुलेट गई आगे, ये हुआ एक्शन. जितनी फोर्स से बुलेट निकलकर आगे गई है उतनी ही फोर्स से गन पीछे की तरफ जाएगी, ये हुआ रिएक्शन. सो एक्शन एंड रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. सो जस्ट रिमेंबर दिस, जितनी भी एक्शन फोर्स आप एक ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो, बदले में वो ऑब्जेक्ट आप पर एग्जैक्टली उतनी ही रिएक्शन फोर्स लगाएगा. तो हमने ये बात कही. अब सिंस आप देखो, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस हम कह रहे हैं दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट. अगर 5 न्यूटन का एक्शन लग रहा है तो 5 न्यूटन का ही रिएक्शन है ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो फिर तो सिंस ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है तो इन दोनों को तो आपस में कैंसिल हो जाना चाहिए, नेट रिजल्ट जीरो आना चाहिए, हाँ या ना? बट क्या ऐसा होता है? डू एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस दे कैंसिल ईच अदर? यस, दे डोंट. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस दे नेवर कैंसिल ईच अदर बिकॉज
these two forces, action and reaction, they are acting on two different objects. अगर action force gun bullet पे लगा रही है तो reaction force bullet gun पे लगा रही है. एक फोर्स बुलेट पे लग रही है तो एक फोर्स गन पे लग रही है. सो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सो दे विल नेवर कैंसिल ईच अदर. बट हां, अगर मेरे पास एक ही बॉक्स है, मान लो एक फोर्स यहां से लग रही है और उतनी ही फोर्स यहां से लग रही है. नाउ दीज फोर्सेस सिंस दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट दे विल कैंसिल ईच अदर. This is the condition of balanced forces, जो आपने पहले क्लास में पढ़ा था, right? But ये situation अलग है. These action and reaction forces are not balanced forces because they are acting on two different objects. So they will never cancel each other.